आज सातवां दिन है। आज हम सद्गुरु कबीर की वाणी विजक के तीसरे नंबर के शब्द पर चर्चा करेंगे, संतों घर में झगड़ा भारी। उससे पहले मैं एक भजन सुना दूं। गुरु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुम से जुदा रहूं। गुरु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, जैसे घी व दूध मिल रहे वैसे मैं भी तुम से मिला रहूं। प्रभु जी प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग वो डोर में, जो प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग वो डोर में, जो प्यार चंद्र चकोर में, जो प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरे धुन में ही मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। गुरु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं। गुरु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, मेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, मेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरा
मेरा देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, गुरु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है, गुरु मंत्र के प्रिय नाम को, गुरु मंत्र के प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं, गुरु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, गुरु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। आइए अब चर्चा करते हैं सदगुरु कबीर की वाणी। साहब कहते हैं इस पद में, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहें, पांचों अधिक सवादी, और कोई काहू का हटा न माने, आपु ही आप मुरादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे, और कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे। इस पद को पढ़ने के बाद एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे सदगुरु कबीर अपने कुटिया से निकले होंगे और कहीं जा रहे होंगे, निरंतर वो जाते ही थे। उन्होंने कहा भी है, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की ढोर, तो निरंतर चलते रहते थे, ज्ञान की मशाल को लेकर वो चलते रहते थे, इसलिए वो कहीं रुकते नहीं थे, उनकी यात्रा अनवरत चलती थी, उनकी यात्रा निरंतर चलती थी। तभी तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वो कभी रुकते ही नहीं थे, कभी बाजार में खड़े होकर कहते थे, कभी चौक में, कभी चौराहे में, कभी किसी के घर के सामने। तो वो इस तरह से निरंतर यात्रा करते थे और लोगों को जागृत करते थे। ऐसे ही कहीं वो जा रहे होंगे, उनकी यात्रा चल रही होगी, कहीं लोगों को देखे होंगे आपस में झगड़ते हुए, विवाद करते हुए, लोगों ने उनसे कहा होगा कि साहब यहाँ तो बड़ा भारी झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आप सब भी कई बार देखते होंगे, रास्ता चल रहे हैं, कहीं दो चार आदमी में बातचीत हो जाती है, विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, और कहीं शराबी है तब तो अक्सर झगड़े हो जाएंगे, और उनका झगड़ा जब तक नशा है तब तक है, उतर गया तो याद भी नहीं किससे झगड़ रहे थे। तो कई बार हम आप भी जब यात्रा करते हैं तो कुछ लोग झगड़ते हुए मिल जाते हैं। अब सदगुरु कबीर में और हमारे आप में फर्क यह है कि जब हम किसी झगड़े को देखते हैं, साधारण आदमी किसी झगड़े को देखता है तो वो ये कोशिश नहीं करता कि उस झगड़े को मिटा दें,
बल्कि वो इसलिए वो रुक जाता है कि देखें जरा किसका हाथ पैर टूटता है, या फिर बातचीत में ही रुक जाता है। और कहीं अगर उठा पटक नहीं हुई, कहीं बात मारपीट तक नहीं गई, तो आदमी निकल कर कहता है क्या कहें, 10 मिनट खड़े रहे, किसी का सिर तो टूटा ही नहीं, बेकार हो गया खड़ा होना। पर सद्गुरु कबीर की दृष्टि तो दूसरी थी। सद्गुरु कबीर तो इस भाव से देखते ही नहीं थे लोगों को। तो जब लोगों ने कहा कि बाहर तो इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, साहब ने कहा तुम बाहर की झगड़े की बात कर रहे हो, तुम्हें बाहर का झगड़ा दिखाई दे रहा है, तुम बाहर की आंखों से संसार के झगड़े को देख रहे हो, पर उस झगड़े के पीछे जो असली झगड़ा है मैं उसको देख रहा हूं। लोगों ने कहा और कौन सा झगड़ा है? साहब ने कहा वो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो तो प्रत्यक्ष आज हुआ है, जो तुम बाहर जिस झगड़े को देख रहे हो वो दर्शन में आज आया है, लेकिन वो पहले ही मच रहा था, और जहाँ मच रहा था वो झगड़ा हो रहा था जिस जगह में, उस जगह को मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख पाओगे। जब दो आदमी लड़ता है ना, तो अचानक घूंसा नहीं चलाता है, अचानक गाली नहीं देता है, पहले वो झगड़ा उसके हृदय में मचता है, मन में चलता है घंटों से, कई बार सप्ताह से, महीनों से, और अचानक वो जब झगड़ा अति हो जाता है भीतर, तब वो बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तब दो चार आदमी को दिखाई देता है, 10-20 को दिखाई देता है। साहेब ने कहा जिस झगड़े को तुम मुझे बता रहे हो वो झगड़ा दिखाई भले ही आज दे रहा है, लेकिन इतना निश्चित समझो कि वो झगड़ा पहले से ही मच रहा था। तब साहेब ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी। साहेब अपनी बातों को रखने के लिए कभी साधो, कभी संतो, कभी पंडितों कहकर संबोधित करते थे। तो वे कहते हैं कि लोगों के हृदय में ही, शरीर में ही झगड़ा मचा हुआ है, तो बाहर के झगड़े की बात कौन करे। पहले भीतर के झगड़े को तो सोचो, पहले भीतर के झगड़े को तो समझो, बाहर झगड़ा अनायास नहीं आ गया है। ये लाइटें जल रही है तो ये लाइटें यूं ही नहीं जल रही है, इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है, उस करंट को हम नहीं देख रहे हैं। साहब कहते हैं भीतर पहले ही कुछ चल रहा है, इसलिए वो बाहर दिखाई दे रहा है। भीतर कुछ हो रहा है हलचल मन में, मस्तिष्क में, इंद्रियों के द्वारा, और वही बाहर आ जाता है। साहब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। हे संतो, घर में ही झगड़ा बहुत भारी मचा हुआ है, बाहर के झगड़े तो साधारण हैं। कहा जाता है महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 18 दिन में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, ऐसा वर्णन है। रामायण के युद्ध के लिए कहा जाता है 6 महीने तक चला, उसमें भी लाखों करोड़ों मारे गए। पर सद्गुरु कबीर जिस झगड़े की बात कर रहे हैं ना, वो 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट भी नहीं, 18 सेकेंड का भी अगर मस्तिष्क से बाहर आ जाए तो रूस यूक्रेन में युद्ध हो जाता है, अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिरा देता है, इराक तबाह हो जाता है, अफगानिस्तान तबाह हो जाता है, दो घर, दो गांव, दो परिवार बिखर जाता है, बिगड़ जाता है, नाश हो जाता है। साहब कहते हैं मैं उस झगड़े की बात कर रहा हूं, जो बाहर जो झगड़े हो तो बाहर आया है भीतर से ही। अब कहते हैं आज दुनिया परमाणुओं की ढेर पर बैठी है, लगभग देशों के पास जो मुख्य 6-7 देश हैं परमाणु बम बना रखा है, परमाणुओं को ढेर पर है, जिसमें रूस के पास सबसे ज़्यादा और उसके बाद अमेरिका के पास है, इतना ज़्यादा परमाणु हथियार से लैस ये सारे देश हैं, जिसमें से एक बम ही तबाही के लिए पर्याप्त होता है। सोचिए जहाँ सब मिला के 10 से 14 हजार परमाणु बम हैं, दुनिया की क्या हालत होगी। अब इनमें से किसी भी देश के प्रधानमंत्री के मस्तिष्क से झगड़ा बाहर आ गया कहें तो क्या होगा, अनर्थ होगा कि नहीं। जब तक वो झगड़ा हृदय के अंदर है, मन के अंदर है,
तब तक तो मामला शांत है, लेकिन समय समय पर वो झगड़े बाहर आते रहते हैं, समय समय पर वो विवाद बाहर आता है और उसका परिणाम जगत देखता है, उसका परिणाम संसार देखता है। साहब कहते हैं, मैं जिस झगड़े की बात कर रहा हूँ वो झगड़ा भीतर का झगड़ा है और वही बाहर आता है तो बाहर महाभारत का रूप ले लेता है, महायुद्ध का रूप ले लेता है, वही कई जिंदगियां तबाह कर देता है। तो लोगों ने पूछा, साहब भीतर वो जो झगड़ा है वो कैसा है, वो क्या है, हम उसको कैसे समझें, भीतर के झगड़े को हम कैसे जानें। साहब ने कहा, रात दिवस मिली उठ उठ लागे पांच ढोटा एक नारी। कहा पहले समझो कि ये झगड़ा करता कौन है, भीतर कोई आदमी तो नहीं है जो लड़ रहा है। साहब ने किसके बारे में कहा, भीतर कौन है जो युद्ध कर रहा है? तो साहब ने कहा, पांच ढोटा, ढोटा मतलब इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां है, जैसे आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है, ये पांच इंद्रियां है। साहब कहते हैं ये पांच इंद्रियां और एक नारी अर्थात एक दुर्मति दुर्बुद्धि रूपी नारी है, वासना रूपी, जो भीतर दुराचार है ना, दुर्बुद्धि, वो दुर्बुद्धि एक होती है, सुबुद्धि एक है दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि को ही कुबुद्धि भी संतजन कहते हैं। तो वो बुद्धि जो मन को सदैव गलत मार्ग में लगाए, वो बुद्धि जो मन से सदैव गलत काम कराए, साहब कहते हैं एक वो दुर्बुद्धि और पांच लड़के यानी पांच इंद्रियां, ये पांचों छठा मिलकर के, छहों मिलकर के जीव के साथ युद्ध कर रहा है, आत्मा से ही लड़ाई कर रहा है। अब सोचिए ये आत्मा के सहयोगी हैं और इसी से लड़ रहे हैं। कहते कितने बड़ी विडंबना की बात है कि ये इंद्रियां हमारी सहयोगी है और ये हमसे युद्ध कर रही है, ये हम ही को नीचा दिखा रही है। एक पिता के पांच पुत्र हों और पिता सोचे कि ये तो हमारे बच्चे हैं, हमें ये सुख देंगे, समृद्धि देंगे, सहायता करेंगे, और वो पांचों बच्चे पिता से ही युद्ध करने लगे, उन्हीं को नुकसान पहुँचाने लगे, तो सोचे क्या हाल होगा। दूसरे से युद्ध हो तब तो आदमी किसी तरह लड़ लेता है, संभल जाता है, जब घर का अपना ही व्यक्ति हथियार लेके सामने खड़ा हो जाए तो व्यक्ति हार जाता है। कहते हैं ना कि युद्ध दूसरों से हो तो जीता जा सकता है, अपने आप से भी हो तो जीता जा सकता है, लेकिन अपनों से हो तो अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय दिला दिए, लेकिन जब उनके ही परिवार में युद्ध शुरू हुआ तो वो भी नतमस्तक हो गए और सब, कहते ना 56 कोटि यादव जहाँ भींजे मुनिजन सहस 88, 56 करोड़ यादव जहाँ भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, सब मर कट गए आपस में। तो जब युद्ध अपने ही लोग कर बैठे, साहब कहते हैं ये जो अपने जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं ये हमारी सहयोगी हैं और यही युद्ध कर रही है। अब लोगों ने कहा, साहब बात तो ठीक है कि युद्ध है, पर हमें पता कहाँ चलता है कि युद्ध हो रहा है, आप कह रहे हैं हम मान तो लेंगे, लेकिन कुछ प्रमाण तो होना चाहिए कि इंद्रियां युद्ध कर रही है, हम तो कभी आँख को नहीं देखे गोली लेके किसी पर जाके हमला करते, हम तो कभी कान को नहीं देखे हथियार लेके दौड़ते हुए, हम तो कभी नहीं देखे नाक को गाली देते हुए, आप कैसे कह रहे हैं युद्ध? साहब ने कहा, वो जो तुम बता रहे हो बाहर का युद्ध का प्रतीक है, भीतर जो युद्ध चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई कुछ अलग है, उससे जीव परेशान हो रहा है। तब साहब ने कहा, युद्ध ये है कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी। कहा ये इंद्रियों का जो युद्ध है ना, ये सबका अलग अलग ढंग से युद्ध है, ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये अपना अलग अलग भोजन चाह रहे हैं, ये अपना अलग अलग आहार चाह रहे हैं, कोई किसी के आहार से संतुष्ट नहीं है, सब लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे मेरा आहार चाहिए, मुझे मेरा आहार चाहिए। पांचों अधिक स्वादी, पांचों बहुत ही स्वादासक्त है, जैसे कई लोग बहुत स्वाद से कई चीज़ें मतलब शौकीन होते हैं, स्वादासक्त जिसको बोलते हैं, खाने पीने के शौकीन, उनको जब तक दो चार सब्जी बढ़िया मिठाई या चटनी या अन्य पूरा व्यंजन नहीं मिलेगा वो खाएंगे नहीं, उनको लगेगा थोड़ा ये थोड़ा ये। साहब कहते ऐसे ही ये जो पांचों हैं ना, ये आँख नाक कान जीभ त्वचा,
ये पांचों बड़े ही स्वादु हैं, इनको जब तक पूरा आहार नहीं मिलता है ये किसी की नहीं सुनते हैं। तो लोगों ने कहा ये कैसे पता चलेगा पांचों क्या आहार चाहते हैं। कहा आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, इसका यही भोजन है। जब तक इसको सुंदर रूप नहीं मिलेगा ये आपको चैन से बैठने ही नहीं देगा। आप सब अनुभव कीजिएगा, कभी आप घूमने जाते हैं तो कुछ अच्छी जगहें दिख जाती है तो आप कहते हैं रुको रुको फोटो ले लेना है। एक अच्छी जगह को आपके तक कौन पहुंचाया? आंख। इसी ने पहले देखा और देखते ही आपको सूचना दिया मन को कि वाह इधर चलो। और मन को जैसे ही सूचना दिया मन आपको धक्का दिया कि नहीं नहीं इधर चलो, यहाँ एक सेल्फी हो जाए, एक फोटो हो जाए। अब आँख को तो मिल गया, अब नाक को नहीं मिला तो नाक बैठने देगा? वो कहेगा रुको वहाँ फूल दिख रहा है, पहले वहाँ चलो, वहाँ कुछ सूंघ लें। नाक को गंध चाहिए, नाक आपको वहाँ रुकने नहीं देगा, वो कहेगा वहाँ चलो फुलवारी में, वहाँ हमको गंध लेना है। अब जब ये दोनों का भोजन आप दे दिए तब कान कहेगा हम खाली बैठे रहें, हमको भी कुछ बढ़िया संगीत सुनाओ, मोबाइल में गाना नहीं है लगाओ। और नहीं लगाएंगे तब कान आपको परेशान करेगा कि आँख को तो दे दिया तुमने, नाक को भी दे दिया, हम क्या ऐसे फालतू, कुछ तो सुनाओ, या तो चलो थिएटर में चलो, सिनेमा हॉल में चलो, किसी का गीत सुनो, मोबाइल में ही लगाओ, टीवी में लगाओ, कान आपको बैठने नहीं देगा। तो आँख को आपने भोजन दिया, नाक को भी आपने भोजन दिया, कान को भी दिया, अब इन सब को दे दिया तो जीभ कहती है कि हम भी फालतू थोड़े आए हैं, चलो कहीं रेस्टोरेंट में कुछ हो जाए, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा कुछ तो होना चाहिए। अब ये जीभ को भी अपना चाहिए आहार, वो कान के आहार से संतुष्ट नहीं है, नाक के आहार से कान संतुष्ट नहीं है, कान के भोजन से आँख संतुष्ट नहीं है, पांचों में लड़ाई है। अगर पांचों में लड़ाई नहीं होती तो एक को मिल जाता चार संतुष्ट हो जाते, होता नहीं। अगर भाईचारा रहता, चार भाई है, एक को आप कुछ दे दीजिए और तीनों में प्रेम है चारों में, तो तीन भाई कहते हैं कोई बात नहीं हमारे भाई को ही तो मिला, क्यों झगड़ना, हम बांट के खा लेंगे। लेकिन नहीं, भीतर का जो मामला है, जो साहब कह रहे हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे, सभी को अलग अलग तरह का भोजन चाहिए, बड़ी विडंबना है। एक ही भोजन से काम नहीं चलेगा, एक ही प्रकार का आहार से कोई काम नहीं चलेगा, आपको परेशान कर देगा। और यदि आपने मुख को जीभ को भी कुछ खिला दिया तो त्वचा कहेगी हमको कुछ नहीं मिला, कुछ तो बढ़िया कोमल कठोर स्पर्श होना चाहिए, कहीं तो चलो आराम करें, बिस्तर पर नींद आ रही है, शरीर को कब तक ऐसे खड़े खड़े बैठाए रखें, कहाँ थकते रहें। त्वचा भी कहती है कि हमको थोड़ा बढ़िया डनलप के गद्दे मिल जाएं, बढ़िया मसनद तकिया मिल जाए। अब जब सबका आहार पूरा हो जाता है तब जीव परेशान होता है, और तब भी आपस में कोई मामला बन नहीं रहा है। साहब कहते हैं सबको अलग अलग आहार चाहिए, और आप देते हैं कान को कान का आहार देते हैं, नाक को नाक का आहार देते हैं, लेकिन जैसे आप कभी घर में टीवी देखते हैं, इसको और सरलता से समझिए, तो जब टीवी आप देखें चित्र आने लगा, बढ़िया देखने लगे, उसी समय कोई जाके वॉल्यूम बंद कर दे तो आँख को तो आहार मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बंद करेंगे कान आपको इशारा करेगा उठो उठो जल्दी, आवाज़ नहीं आ रही, आपको बैठने नहीं देगा कान। आँख को तो मिल रहा है ना, लेकिन कान को नहीं मिल रहा है, आवाज़ बंद हो गई है। अब कान भीतर से आपको कहेगा जल्दी उठो, क्या क्या बैठे हो, हमको मिल नहीं रहा है। अब आपको कान उठा देगा और जाके आप वॉल्यूम ठीक करें और चित्र चला जाए तो आँख कहेगा रुको अभी यहीं ठीक कर लो चित्र को। कान के भोजन को जैसे ही दिया आँख को भी ठीक से चाहिए। साहब कहते हैं यही तो झगड़ा है कि कान अलग भोजन चाह रहा है, नाक अलग चाह रहा है, आँख, यानी कि पांचों इंद्रियां अलग अलग आहार ग्रहण कर रही है,
अलग अलग आहार को ला करके जीव को फंसा रही है और मन उसके अधीन होकर के आपको, मन इंद्रियों की बातों में चल रहा है, मन के अनुसार इंद्रियां चल रही, इंद्रियां के अनुसार मन चल रहा है और मन जीव को बस में कर रखा है। तभी तो जो इच्छा होती है, कुछ अच्छा देखना है तो आपको चलना पड़ जाता है, कुछ अच्छा सुनना है तो आपको चलना पड़ जाता है, कुछ कहीं सुनने को मन हो गया, कहीं फिल्म देखने का मन हो गया, कुछ खाने की इच्छा हो गई, तो आप सोचिए कि आप मन के गुलाम कैसे हैं। यदि मन में कोई ख्याल उठा, आँख को कुछ चाहिए, नाक को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, और वो मन को सूचना दिया और मन आपको इशारा किया कि मुझे ये चाहिए और आपका कदम उठ गया, तो समझ जाइए कि आप मन के गुलाम हैं। साहब वही कह रहे हैं, न्यारो न्यारो भोजन चाहें पांचों अधिक स्वादी। ये पांचों बड़ा ही स्वादु है, इसको थोड़े में काम नहीं चलता है। और समस्या ये भी है कि आप इसको भोजन दे भी देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आँख को सुंदर रूप दे भी दिए तो ये सिर्फ उसमें संतुष्ट नहीं होता है, वो फिर बार बार उसी को चाहता है, फिर वही चीज़ वो बार बार देखना चाहता है और उसको अस्थाई रूप से दिमाग में जगह दे देता है, फिर वो अस्थाई रूप से मस्तिष्क में जो शब्द सुना है, जो रूप देखा है, जो गंध उसने लिया है, जो स्वाद लिया है, उन सबको वो इकट्ठा कर लेता है और वो फिर एक विष की तरह हमारे भीतर मौजूद होता है और फिर जीव उसी के अधीन होकर के पुनः पुनः वही चाहता है, पुनः पुनः उसी में जाता है। जैसे बढ़िया बढ़िया भोजन पेट में डाल दिए और कहीं नहीं पचा तो क्या होगा, पेट खराब होगा, बीमारी पैदा होगी, फिर आदमी उसके लिए गैस की गोली खाता है, आप कायम चूर्ण खाएगा तो त्रिफला खाएगा, दुनिया भर की कोशिशें करता है। उसी तरह से जब ये आँख नाक कान अपना अपना भोजन लेके जब मस्तिष्क में लाता है तो मस्तिष्क में भी वही बात हो जाती है। जब उसको हम ज्ञान के द्वारा उन भोजनों को निग्रह नहीं कर पाते, जो गलत दृश्य आँख ले आई है, जो कान गलत शब्द ले आया है, जो नाक या जो त्वचा या जो जीव से गलत कुछ ग्रहण हो गया है, जब तक हम उसको निग्रह करके उसको शमन नहीं कर देते, फिर वो हमारे भीतर जहर पैदा करते रहता है, फिर उसी जहर से झगड़े पैदा होंगे, उसी जहर से अहंकार पैदा होंगे, उसी जहर से आपस के विवाद पैदा होंगे, उसी जहर से लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, काम पैदा होता है। ऐसे ही पैदा नहीं होता, ये जो सारी चीज़ें जो हमारे इंद्रियां ग्रहण करके मन के द्वारा हमारे भीतर इकट्ठा कर देती है, उसी से फिर पैदा होता है। जैसे आप कूड़ादान में रोज का कचरा निकाल निकाल के भोजन का, घर का, दाएं कहीं का भी आप उसमें डालते जाएं और 5-7 दिन तक न फेंकें तो कूड़ादान के आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा, उसमें से फिर जहर बन जाता है, वो फिर खतरनाक रूप ले लेता है, दुर्गंध से भर जाता है। यही सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो सारे कचड़े को इकट्ठा करके जो मस्तिष्क में डाल देती है और हम जब उसका शमन नहीं करते हैं, हम जब ज्ञान के द्वारा उसको हटाते नहीं हैं, तो वो कचड़े फिर दुर्गंध का रूप ले लेती हैं और फिर वही हमारे दिल दिमाग में दुनिया भर के बुरे विचार, दुनिया भर के बुरे कार्य को जन्म देते हैं, फिर हम असफल होते हैं, फिर हमारी सोच संसार की तरफ हो जाती है, फिर हमारा लक्ष्य संसार की तरफ हो जाता है, फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं, फिर आदमी जगत के कल्याण के लिए नहीं सोचेगा, फिर आदमी माता पिता की सेवा का भाव नहीं रखेगा, फिर आदमी समाज की सेवा का भाव नहीं रखेगा, ये ख्याल उसको एकांगी बना देता है, स्वार्थी बना देता है। ये इंद्रियां जो अलग अलग भोजन ला करके मन को सड़ा दिया, मस्तिष्क को सड़ा दिया, फिर वहाँ से हम उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो साहब ने कहा, न्यारो न्यारो भोजन चाहें पाँचों अधिक स्वादी, और मैंने कहा ना, कोई काहू का हटा ना माने, आप ही आप मुरादी, कि कोई किसी का रोक पसंद नहीं कर रहा है। कान के संगीत में अगर कान को संगीत सुनने को मिल रहा है और उसमें नाक या आँख बाधा बने तो कान को कतई बर्दाश्त नहीं है।
वो पसंद ही नहीं करता आँख को कि तुम बाधा बनो। आँख को सुंदर रूप मिल रहा है और कान उसमें बाधा बन जाए तो ये आँख को बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं कोई काहू का हटाना माने, कोई किसी का व्यवधान पसंद ही नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि मेरे में बाधक बने। जैसे अभी सत्संग चल रहा है, कोई आदमी आकर यहाँ हल्ला मचाने लगा, आप सब नहीं चाहेंगे कोई बाधा करे, आप चाहेंगे सत्संग निर्बाध गति से चलता रहे। साहब कहते इसी तरह से जो इंद्रियों का जो अपना रस है, अपना भोजन है, इसको लेने में ही रस आ रहा है, इसी के पीछे ये पागल है, और इसमें कोई दूसरा व्यवधान कर देता है ये इसको बर्दाश्त नहीं है, ये इसको हरगिज स्वीकार नहीं है। आप ही आप मुरादी, ये अपने ही रस को लेने के इच्छुक है, अपनी ही इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। आदमी अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या कर देता है, दूसरे की इच्छा क्या है नहीं है इसका ख्याल आदमी नहीं करता है। माँ बाप क्या चाहते हैं ये आदमी कभी नहीं चाहता, वो सोचता है जो हम चाहते हैं यही ठीक है। जब आदमी छोटा होता है, बच्चे के रूप में होता है, तो कहता है माँ से मुझे खिलौना दो, माँ खिलौना दे देती है, कहता है मुझे बाहर ले चलो, बाहर ले चलती है, वो दिन भर इधर उधर करते रहता है। माता पिता उसको कभी खिलौना दे रहे हैं, कभी बिस्कुट दे रहे हैं, कभी पैसे दे रहे हैं, कभी बाहर ले जा रहे हैं, एक ही बात को वो 10 बार पूछ रहा है, ये क्या है ये क्या है, अब बता रहे हैं फिर भी वो पूछ रहा है, माता पिता उसको उत्तर भी दे रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा सवाल कर रहा है। लेकिन वही माँ बाप बूढ़े हो गए और वो बेटा बड़ा हो गया, अब माँ बाप अगर एक सवाल कर दिया, बेटा तैयार होकर घर से बाहर निकल रहा है, माता पिता बैठे हैं, सिर्फ इतना कह दिया कहाँ जा रहे हो, बेटे को लगा जैसे कि आग लग गई, चुपचाप बैठा नहीं जाता, कहाँ जा रहे हैं, टोक दिया अब मेरा जतरा बिगड़ जाएगा, चुपचाप बैठो घर में। माँ ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कहाँ जा रहे हो। हम अपनी इच्छाओं को इतना विस्तार कर लेते हैं कि उसमें किसी का रोक पसंद नहीं है, और ख़ास करके उनका भी नहीं जो हमें जन्म दिए हैं, जो ना जाने हमारी कितनी इच्छाओं को सुन सुनकर, व्यर्थ की इच्छाओं को सुन सुनकर पूरा किया है बचपन में। साहब कहते ये इच्छाएँ बड़ी अनंत है, ये जब व्यक्ति के भीतर विस्तार रूप ले लेती है इच्छाएँ, तो आदमी को बहुत पतन में लेके चली जाती है, फिर आदमी सही गलत नहीं सोच पाता, वो इच्छाओं के पीछे भागता है। आप देखें कोई आदमी झोपड़ी में था, बहुत सुखी था, खा पी रहा था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बगल में किसी ने मकान बना लिया पक्का, अब उसको उसकी झोपड़ी काटने लगती है कि हम ही गए बीते हैं, पड़ोसी ने पक्का मकान बना लिया, हम नहीं बना सकते, हम भी बनाएंगे। अब तक जब बगल में पक्का मकान नहीं था तब तक तो उसको झोपड़ी में भी आनंद मिल रहा था, लेकिन जैसे ही किसी ने पक्का मकान बनाया वो झोपड़ी उसको दुख देने लगी। अब तक जिससे सुख मिल रहा था वही झोपड़ी दुख का कारण बन गई, और वो भी कर्ज उर्ज लेके किसी तरह एक ठो मकान बना लिया एक मंजिला, अब उसको सुख मिल रहा है, अब वो भी शांत है कि नहीं हम भी उस लेवल के हैं जो पड़ोसी है, अब सब मामला ठीक है। अब कुछ दिन बाद पड़ोसी ने ऊपर एक मंजिला और बना लिया, अब इसको बुखार फिर आ गया कि हमारा एक ही मंजिला उसका 2 मंजिला, अब इसकी इच्छाएँ इसको मार रही है, उठो कुछ तो करो, जरूरत नहीं है इसको, एक ही नीचे के मंजिले में रह रहा है, ऊपर की जरूरत नहीं है, लेकिन इच्छा कहती है कि तुमसे इतना देखा कैसे जा रहा है, पड़ोसी 2 मंजिला बना लिया, तुम एक ही में मजे में हो, ये ठीक नहीं है, एक और बनाओ। अब आदमी अपनी इच्छाओं के अधीन है, मन के अधीन है, पुनः कर्ज करता है, पिछला चुका भी नहीं है, फिर से किया दाएं बाएं करके 2 मंजिला बना लिया, अब कहता है अब ठीक है, अब सुख से हैं, अब सब मामला ठीक ठाक चल रहा था, अब सब सही से हो रहा था, तब तक पड़ोसी एक कार खरीद के ले आया, अब मन कहता है अरे पागल तुम इससे भी गए बीते, अभी तक साइकिल में चल रहे हो, गड़बड़ हो रहा है, तुम भी कार खरीदो, अब इसको कहीं नहीं जाना है, खेत खलिहान ही घूमना है, पड़ोसी को दूर जाना है, नौकरी करना है, तब भी मन इसको कहता है, इच्छाएँ कहती नहीं, तुम भी उठो जाओ लोन पर ही सही कार लेके आओ, अब ये भी गया कार लेके आ गया, अब
खड़ी है बस कार, लोगों को लग रहा है हाँ ये भी कार वाला है। अब पड़ोसी तो बेचारा उपयोग कर रहा है, इसको इच्छाओं ने कहा, मन ने कहा कि तुम्हें भी द्वार पर कार खड़ी होनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक देखता है पड़ोसी के हाथ में एप्पल का फोन है और हम यही रेडमी चला रहे हैं, गड़बड़। लोग क्या कहेंगे, 10 आदमी के बीच बैठना होता है, मन कहता है तुम गए बीते तो नहीं हो, घर भी बना लिया, कार भी ले लिया, जाओ बाजार, कम से कम लेटेस्ट एप्पल आईफोन ले आओ, वो ले आता है। जरूरत नहीं थी। फिर किसी दिन गलती से पड़ोसी के घर में पता चलता है बड़ा सा टीवी LED लगी हुई है और अपने घर में वही पुराना मॉडल 24 इंच टीवी है। अब ये कहता है नहीं, अपने घर में भी होना चाहिए। इस तरह से इच्छाएं व्यक्ति को अपने वश में करके धीरे 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 उसको ऐसे कर्म कराते चली जाती है कि आदमी को अंत तक पता नहीं चलता कि हम जा कहाँ रहे। हम इच्छाओं के वशीभूत होकर हम अपने कर्म पथ से, हम अपने न्याय पथ से, हम अपने शांति पथ से कितना विपरीत चले गए। अब जैसे आप यहाँ एक और उदाहरण से समझें, बल्कि एक सच्ची घटना भी है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी सुनाया करते थे, एक आदमी आया उनके पास, यहाँ जिनको सरपंच बोलते हैं ना, वहाँ उसको मुखिया बोलते हैं बिहार में। तो वो आशीर्वाद लेने आया कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम मुखिया का चुनाव जीत जाएं। तो साहब जी ने कहा देखो मेरे आशीर्वाद से तो नहीं, जनता वोट देगी तो जीतोगे। कहा नहीं, आप आशीर्वाद दे दीजिए, जनता को तो हम मैनेज कर लेंगे, मतलब हो जाएगा। तो साहब ने कहा ठीक है, मैं क्यों कहूँ आशीर्वाद, नहीं आशीर्वाद है लेकिन कर्तव्य से अधिकार मिलता है। साहब ने कहा तुम बढ़िया कर्तव्य करोगे लोग खुद अधिकार दे देंगे, और तुम बिना कर्तव्य के ही अधिकार चाहोगे तो कोई नहीं देंगे, घर के लोग भी नहीं देंगे। पर साहब ने कहा ठीक है आशीर्वाद है। थोड़ी छवि ठीक ठाक थी, पकड़ थी, कुछ खर्च वर्च किया, चुनाव जीत गया। अब वो आया आशीर्वाद लेने, कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम मुखिया बन गए। साहब जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मुखिया बन गए। अब इस तरह से बात आई गई हो गई। फिर एक समय आया, उसने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम जिला परिषद का चुनाव जीतना चाहते हैं, जो इधर जिला पंचायत शायद बोलते हैं। साहब ने कहा अब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ रही है, उस समय कहा था सिर्फ मुखिया बन जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं बस एक बार और आशीर्वाद दे दीजिए, जिला परिषद भी जीत जाएं। इस तरह से संजोग ऐसा था, साहब ने कहा ठीक है आशीर्वाद है। साहब ने कहा मेरे आशीर्वाद से तो नहीं, तुम काम किए होगे, लोगों में छवि अच्छी होगी तो जीत जाओगे। संजोग ऐसा था फिर जीत गया। उसके बाद फिर कुछ दिन काम किया, 5 साल बाद फिर वही आदमी कहता है विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा है। साहब ने कहा तुम रुकोगे नहीं, अगर तुम विधायक बन जाओगे तो तुम बाद में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आओगे, और तुम सांसद में भी जीत जाओगे तो तुम ये आशीर्वाद लेने आओगे गुरुजी आशीर्वाद दें हम मंत्री बन जाएं, और यदि तुम मंत्री बन गए तो फिर तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छाएँ दौड़ रही है, अब तुम्हारे भीतर कामनाओं के पंख लग गए हैं, और तुम अगर मंत्री बन गए तो रुकोगे नहीं, तुम पुनः आओगे गुरुजी आशीर्वाद दीजिए हम मुख्यमंत्री बन जाएं, और अगर तुम कहीं किसी कारण से मुख्यमंत्री भी बन गए तो रुकोगे नहीं, तुम पुनः आओगे और कहोगे गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, और कहीं बन गए तो तुम फिर राष्ट्रपति के लिए आशीर्वाद लेने आओगे, और फिर भी तुम नहीं रुकोगे, उसके बाद तुम आशीर्वाद लोगे कि हम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन जाएं। तो इस तरह से तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें दौड़ाती है। आदमी एक बार शुरू हो गया सिर्फ तो फिर इच्छाएं उसको रुकने नहीं देती। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, वो सोचता है 1 लाख हो जाए। इस सब के मन की बात है। आप सोचेंगे किसी न किसी रूप में हमें हमारी इच्छाएं दौड़ाती है कि 1 लाख अगर हो गया तो फिर हम उसको खर्च करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं बस थोड़ा थोड़ा करें, अब इस 1 लाख को 10 लाख बनाना है। मन कहता है इसको 10 बनाओ, और जब 10 बन जाता है अगर किसी कारण से बन गया तो मन कहता है इसको 1 करोड़ बना दो। अब 1 करोड़ से फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब, इस तरह से फिर इच्छाएं उड़ती चली जाती। साहब कहते हैं आप ही आप मुरादी, फिर ये अपनी ही इच्छाओं के पीछे भागता है, अपनी ही इच्छाओं के पीछे लगा रहता है। फिर इच्छाएं इससे ना जाने क्या क्या करवाती है। इसलिए साहब ने कहा कामनाओं का, इच्छाओं का विशाल शिला जब हम हटा देते हैं, उसको जब हम साइड कर देते हैं, तब परम शांति का पथ हमें दिखाई देता है।
तब परमानंद का पथ दिखाई देता है। कामनाओं में शांति कहाँ है, इच्छाओं में शांति कहाँ है? हम चाहे आँखों को जितना सुंदर रूप दिखा दें, ये कभी तृप्त ही नहीं होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम कानों को चाहे जितना सुंदर शब्द सुना दें, ये कभी तृप्त होगा ही नहीं। जीभ को हम जितना बढ़िया से बढ़िया खिला दें, ये कभी तृप्त नहीं होगा। मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। मन तब तृप्त होता है जब साहब ने कहा, संतोष संतोष धन है, हृदय रहो तो हृदय जुड़ाए, कि जब संतोष रूपी धन आ जाता है तब हृदय शांत होता है। जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, जब ये संतोष रूपी धन हृदय में आता है गुरु कृपा से सत्संग के माध्यम से, तब समझिए सब मिल गया। साहब कहते हैं बाहर की विस्तार की इच्छा जितनी भी है उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे जितना भी मिलेगा कम लगेगा। अब जैसे आप देखते होंगे अभी शादी विवाह में किस लोगों की इच्छा रहती है अक्सर लड़के की, कि हमको सोने का चैन मिल जाए, अंगूठी मिल जाए। अब वो अड़े रहते हैं कि सोने की अंगूठी और चैन तो होना चाहिए, इधर तो दहेज प्रथा नहीं है, बिहार में बहुत मामला है ऐसा। उधर एक तरह से पहले से ही शादी होने का मतलब, अगर लड़का नौकरी में है तो समझ लीजिए 50 लाख से नीचे दहेज की तो अब कोई बात ही नहीं, 30 से 50 लाख दहेज, अलग से गाड़ी, फिर सोने चांदी चैन ये वो दुनिया भर करके एक पिता को पूरा जमीन तमीन सब बेचना पड़ जाता है, ये स्थिति है। तो एक अंगूठी मिल गई सोने की तो लड़के को लगता है शरीर में गर्मी आ गई, वो जनवरी में भी स्वेटर उतार देता है कि हम सोना पहने, उसको सोने की गर्मी होती है। अब सोचिए एक अंगूठी में इतनी गर्मी है तो रावण का तो सोने का पूरा लंका ही था, उसको कितनी गर्मी रही होगी, अंदाज लगा सकते हैं? एक सोने के चैन और अंगूठी में आज का आदमी जनवरी में भी स्वेटर इनर उतार के चलता है तो रावण का की गर्मी का तो अंदाज नहीं लगा सकते, उसकी इच्छाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके पास के शक्ति सामर्थ और धन का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन क्या उसकी इच्छा पूरी हुई थी? हम लोग के पास जितना भी है अगर हम उस दृष्टि से रावण से तुलना करें तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, हमसे कितना गुना अधिक रावण के पास था, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो भी अंत में कहा कि मुझे स्वर्ग में सीढ़ी लगाना था, ताकि जाने में पता नहीं कौन कैसे वहाँ पहुँचता है, सीढ़ी से चढ़ के चला जाएगा। तो रावण को सीढ़ी लगाना था, वो इच्छा अधूरी रह गई। सिकंदर की इच्छा थी पूरे विश्व को जीतना है, जीत पाया? पहले उसकी इच्छा हुई थी एक दो देश को जीत लें हम सुखी हो जाएंगे, उसकी यात्रा शुरू हुई। जब एक दो देश को जीता तब मन ने कहा इतना से काम नहीं चलेगा, दो चार और जीत लो, फिर दो चार पर धावा बोला, जीता, फिर 10 20 50, अंत में सिर्फ भारत ही बचा था जहां वो बॉर्डर पर हार गया, लौट गया। जब लोगों ने पूछा तुम विश्व विजेता हो, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें बहुत कुछ दिलाया, लेकिन क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? उसने कहा नहीं हुई, हम और भी बहुत कुछ, भारत को भी जीतना चाहते थे, सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन हम भारत को जीत नहीं सके। अब भारत को नहीं जीत करके भी लोग सिकंदर को महान बता दिए, और पोरस और चंद्रगुप्त से हारने के बाद, अर्थात भारत से हार गया फिर भी चंद्रगुप्त महान नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी भी इतिहास में दर्ज है जो समझ में नहीं आती। तो उसने कहा मेरी इच्छाएं तो बहुत थी, भारत को भी जीते, पूरी नहीं हुई, और अंत में अब जब मैं मर रहा हूं तो देख लो मेरे दोनों हाथ खाली, इतना जीता, इतना लूटा, इतना मारा, इतना जमा किया, पर अब जा रहा हूं तो दोनों हाथ खाली हैं। उसने अपने अनुचरों से कह दिया था कि अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। लोगों ने कहा क्यों? कहा दुनिया को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। लोगों को सीख तो मिलनी चाहिए। साहब ने कहा ये इच्छाएं इतनी अनंत है कि न सिकंदर की पूरी हुई, न रावण की पूरी हुई, न दुर्योधन की पूरी हुई, न आज किसी की पूरी होती है। बिल गेट्स जो सबसे धनी आदमी रहा है कुछ दिन पहले तक, अभी वर्तमान में तो एलन मस्क है,
समय समय से धनपतियों की लिस्ट या सूची में फेरबदल होते रहते हैं, किसी के पास थोड़ा धन ज़्यादा होता है वो नंबर वन पर आ जाता है। तो ऐसे लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि तुम्हारे पास तो भी इतना सारा धन है तो क्या अब और इच्छा नहीं है, कहा नहीं, इससे 10 गुना और करूँ ये इच्छा है, पहले इतनी भी इच्छा नहीं थी। जब हमने यात्रा शुरू की थी कमाई करने की, बिजनेस की, तो मुझे लगा था इसका 1% भी मेरे पास हो जाता, मतलब जितना वर्तमान में था उसका 1% भी हो जाता तो बहुत था, पर आज मेरे पास जितना है मेरी इच्छाएं बार बार कर रही कि इसके 10 गुना और हो जाए। साहब कहते हैं बाहर के विस्तार में उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए करना क्या है, अगर शांति से जीना है, सुख से जीना है, तो साहब कहते हैं दुर्मत केर दोहागिन मेटे। कहते हैं जो भीतर दुर्बुद्धि रूपी दुर्भाग्य ने डेरा डाल दिया है, जिसने बुद्धि को ही खराब कर दिया है, दुर्मति ने बुद्धि को ही चौपट कर दिया है, दुर्भाग्य से हमारी दुर्बुद्धि ने हमारे मन को, हमारे विचार को चौपट कर दिया है। एक है सुबुद्धि, एक है दुर्बुद्धि। जब सुबुद्धि मन में होती है तो व्यक्ति अच्छे अच्छे काम करता है, घर में भी माता पिता की सेवा करेगा, पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार करेगा, अन्य के साथ भी बढ़िया व्यवहार करेगा। देखिए और तो इस तरह से व्यक्ति जब सुबुद्धि से काम लेता है, जब उसके भीतर सुबुद्धि का वास होता है, अर्थात सुंदर बुद्धि होती है, तब वो माता पिता की सेवा करता है, तब वो गुरु की सेवा करता है, सबके साथ व्यवहार मिला के रखता है, कहीं ऊंच नीच होने की संभावना भी हो जाए तो व्यक्ति कोशिश करता है उसको सही कर दें। कौन व्यक्ति, जिसके पास सुबुद्धि है। जैसे मंथरा के पास दुर्बुद्धि थी, वो दुर्बुद्धि कैकेयी के पास आ गई और राम जी के पास सुबुद्धि थी, तो उसके दुर्बुद्धि युक्त कार्य को भी राम जी ने अपने सुबुद्धि से सही बना दिया। मंथरा और कैकेयी ने क्या चाहा कि राम जंगल चले जाएं, सन्यासी का वेश धारण कर लें, सारे आभूषण उतार दें, राजसी वस्त्र उतार दें, यहाँ तक कि पैर में चप्पल, खड़ाऊ, पनही, जो कुछ भी है वो भी उतार दें, राज्य का भोजन न करें, कंद मूल खाएं। इतना सारा काम मंथरा ने कैकेयी को बताया, और ये हुआ कैसे, दुर्बुद्धि के दबाव में। जब व्यक्ति के भीतर दुर्बुद्धि आ जाती है तो फिर अपना पराय का भेद खत्म हो जाता है, फिर वो भाई में भाई को नहीं देखता, फिर वो पिता में पिता को नहीं देखता, वो पुत्र में पुत्र को नहीं देखता, फिर वो दुर्बुद्धि उससे गलत गलत कर्म करवाता है। जब दुर्बुद्धि हमारे मन मस्तिष्क में डेरा डालती है तो फिर रावण अपने ही भाई विभीषण को लात मार देता है, वो दुर्बुद्धि के ही दबाव में है। लेकिन जब सुबुद्धि भीतर होती है तो लक्ष्मण राम जी के लिए कहता है कि भैया आपके बिना हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी साथ में जंगल चलेंगे। जब सुबुद्धि भीतर होती है तो माँ सीता कहती है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कि जैसे ये देह बिना जीव के मुर्दा है, नदी पानी के बिना सुना है, वैसे ही हे प्रभु मैं तो आपके बिना कुछ हूँ ही नहीं, क्या करूँगी। वो सुबुद्धि उनको राम जी के साथ भेज देती है और दुर्बुद्धि ने कैकेयी से गलत काम करवा दिया, दुर्बुद्धि ने रावण से गलत काम करवा दिया, दुर्बुद्धि ने दुर्योधन से गलत काम करवा दिया। और जहाँ सुबुद्धि है, जहाँ सुंदर बुद्धि है, विचार है, वहाँ बिगड़ते हुए काम को भी बना देता है।
तो राम जी ने सुबुद्धि से सारे कार्य को सही किया, भरत जी ने सारे कार्य को सही किया, हनुमान जी ने, अर्थात जितने भी लोगों की कथाएं हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, आप उसमें देख लीजिए कि जहां दुर्बुद्धि है कितने पाप हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जहां दुर्बुद्धि है पिता ही पुत्र का दुश्मन बन जाता है और पुत्र पिता का। दुर्बुद्धि ना जाने कब किसको दुश्मन बनवा दे, दुर्बुद्धि ना जाने कब किसके मन में नफरत पैदा करवा दे। साहब कहते हैं इसलिए दुर्मत केर दुहागिन मेटे, वो जीवों से कहते हैं, संतों से कहते हैं कि अपने भीतर जो दुर्मति आ गई है, जो दुर्बुद्धि आ गई है, इसको पहचानिए। इसकी पहचान क्या है? जैसे आजकल आदमी की पहचान के लिए तो आधार कार्ड बन गया है, फिंगर लगाओ पहचान आ जाता कि आदमी हाँ ही ठीक। लेकिन दुर्बुद्धि हमारे भीतर है, इसका प्रूफ क्या है? इसका तो कोई आधार कार्ड नहीं है दुर्मति का, कि सरकार ने बनवाया भी नहीं कि ये दुर्बुद्धि का आधार कार्ड है, चलो इसे पहचान में आ जाएगा। तो दुर्बुद्धि को हम जानेंगे कैसे, क्या रास्ता है? तो रास्ता साफ है, अगर गिलास में गुलाब जल है तो बताना पड़ेगा कि ये गुलाब जल है, उस सुगंधी से खुद पता चल जाएगा, उसकी सुगंधि ही उसका प्रमाण है। और उसी में शराब है तो बताना नहीं पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा शराब है। अगर आपने हाथ में गुलाब छुआ है तो हाथ को गुलाब से प्रमाण नहीं लेना पड़ेगा, या गुलाब को अपना प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि हाँ मैं गुलाब हूँ। गुलाब को जरूरत ही नहीं कहने का कि मैं गुलाब हूँ, देखो ये मेरा प्रमाण है। गुलाब अपनी सुगंधि से ही प्रमाणित कर रहा है, या सूरज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कहें ये सूरज है। आदमी मैट्रिक किया कि नहीं, बीए पास हुआ कि नहीं, इसका तो सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है, लेकिन सूरज को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता हाँ मैं सूरज हूँ। उसकी गर्मी उसकी ऊर्जा ही पहचान है। साहब कहते हैं ठीक इसी तरह दुर्बुद्धि का कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी गलत सोच रहा है, आदमी गलत मार्ग में जा रहा है, आदमी किसी से नफरत कर रहा है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, पत्नी से झगड़ा कर रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, बस यही दुर्बुद्धि का आधार कार्ड है। समझ जाओ कि उसके भीतर दुर्बुद्धि है, कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर हमारे भीतर से कुछ भी गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि दुर्मति ने अपना इंजेक्शन डाल के हमको बेहोश कर दिया है, अब हम होश में नहीं रहे। दुर्मति हमको ऐसे नशे में डाल दिया कि हम अब मुर्दा हो गए, अब वो जैसा चाहे हमसे करवा ले, जो चाहे हमसे करवा ले। और जब दुर्मति भीतर आ जाती है तो इन आँखों से फिर सत्य नहीं दिखता। इन आँखों से तो वैसे भी सत्य नहीं दिखता, इन आँखों से वही दिखता है जो संसार में बाहर है सच्चाई, भीतर का कुछ नहीं दिखता। जैसे अभी मोबाइल लगा है, इस मोबाइल से मेरा वीडियो बन रहा है, आप इसको बाद में YouTube में देखेंगे तो जैसा अभी मुझे देख रहे हैं वैसा ही देखेंगे, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। लेकिन इसी मोबाइल के जगह में यहाँ एक्सरे मशीन खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा नहीं आएगा, फिर आप उसमें देखेंगे लगा कंकाल बैठा है, फिर बाहर से वो बाहर का नहीं लेता है, वो भीतर का लेता है। यही फर्क है, आंखें दोनों के पास है, कैमरे की भी आंख है और एक्सरे मशीन की भी आंख है, कोई अंतर नहीं है, आंख दोनों के पास है, पर एक है जो बाहर का रूप देख रहा है, एक कैमरा बाहर देख रहा है, वाह क्या सुंदर है, लेकिन एक्सरे मशीन में सबकी सच्चाई बाहर आ जाती है, सबका कंकाल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। दुर्मति जब भीतर होती है तो वो सिर्फ बाहर बाहर देखती है, लेकिन जब सुबुद्धि भीतर आ जाती है, जब विचार भीतर जन्म ले लेता है, विवेक का जन्म होता है, तब संसार को व्यक्ति को भीतर देखने का मौका मिलता है, तब सत्य को परखने का मौका मिलता है। वरना हम तो बाहर बाहर देखते हैं, बाहर देख करके ही भूल जाते हैं। बाहर दुर्मति यही काम करती है, वो बाहर से ही सारी चीज़ों को इकट्ठे करके उसी में उलझा देती। साहब ने इसीलिए दुर्मति को कहा कि इस ये दुर्भाग्य है जीवन में, दुहागिन अर्थात दुर्भाग्य,
ये जो दुर्मति हमारे भीतर है, ये समझ लो दुर्भाग्य है। ये भी दुर्मति है। तो दुर्भाग्य ऐसा ही है कि जीवन में जब दुर्मति आती है तो व्यक्ति से गलत गलत काम करवाती है, व्यक्ति को वो बेहोश कर देती है। जब आदमी होश में होता है, किसी भी गलत काम को करने के लिए बेहोश होना जरूरी है, सही काम करने के लिए होश में होना जरूरी है। आदमी एक छोटा सा झूठ भी बोलता है तो बेहोश होता है तो ही बोलता है। बेहोश का मतलब वो सोया वाला बेहोश नहीं, विचार से बेहोश होता है, ज्ञान से बेहोश होता है, अर्थात वो ज्ञानहीन होता है। दुर्मति भीतर होती है, वो बेहोश होता है, उसको पता ही नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, हमको करना क्या है। तो कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी आवश्यक है, कुछ भी गलत करने के लिए मूर्छा आवश्यक है, और सारे गलत काम मूर्छा में ही होते हैं। आप किसी के लिए भी कुछ भी सोच रहे हैं, अगर वो गलत है, आप समझ जाइए कि बेहोशी ने डेरा डाल दिया है। आपका एक भी कदम गलत उठ गया, समझ जाइए कि मूर्छा भीतर आ गई है, दुर्मति ने अपना काम कर दिया है। तो साहब ने कहा, इस दुर्मति का जो दुर्भाग्य भीतर डेरा डाला है, उसको आप मिटा दो, उसको खत्म कर दो। उसको खत्म कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जो भीतर दुर्मति का डेरा है, हम अपनी बुद्धि को सुंदर बनाएं, हम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाएं, ताकि वो मन को सही दिशा में लगा सके। अगर बुद्धि ही कुबुद्धि बन जाएगी तो मन तो साधन है, मन को फिर दिशा सही मिल जाए अगर सुबुद्धि भीतर हो, लेकिन सुबुद्धि अगर दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो गई तो उसी मन से गलत काम करा लेता है, करा लेती है बुद्धि। इसलिए साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो एक ही है, चाहे तो विषय में जाएगा, चाहे साधना में जाएगा, चाहे गुरु भक्ति में जाएगा। अब सुबुद्धि भीतर है तो भक्ति में जाएगा, और कहीं दुर्बुद्धि ने डेरा डाल दिया है तो विषय में जाएगा, नफरत में जाएगा, घृणा में जाएगा। आप अपना दर्पण खुद बनिए। जैसे आईने में हम चेहरा देखते हैं कि आँख ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, बाल ठीक है, सब कुछ हम सेट करते हैं। साहब कहते हैं, इसी तरह से आईने में, अपने भीतर के दर्पण में आप अपने को देखिए कि दुर्मति ने डेरा तो नहीं डाला, दुर्मति ने कहीं अड्डा तो नहीं जमा लिया। अगर जमा लिया तो फिर धीरे धीरे वो मूर्छा में परिवर्तित कर देगा, हमें बेहोश कर देगा। शराब पीकर तो आदमी घंटा दो घंटा के लिए मूर्छा में जाता है, कुछ देर के लिए बेहोशी में जाता है, लेकिन जब दुर्मति भीतर आ जाती है तो आदमी 24 घंटा बेहोश होता है। और सच तो यह है कि शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। लोग कहते हैं वो शराब पी के बदहाल हो गया, बेहोश हो गया। संत की दृष्टि थोड़ा अलग होती, संत कहते हैं वो शराब पी के बेहोश कहाँ हुआ है, वो बेहोश पहले ही हो गया है, तभी शराब को पिया है उसने। अगर होश में होता तो शराब को छूता भी नहीं, अगर वो होश में होता तो तंबाकू को छुएगा भी नहीं। आदमी जो भी गलत करता है बेहोश पहले हो जाता है। गलत करने के लिए बेहोशी आवश्यक है, और सही करने के लिए होश में होना जरूरी है। तो अगर कोई शराब भी पी रहा है तो समझिए वो पहले ही बेहोश हुआ है, बाद में शराब को हाथ लगाया है। साहब कहते हैं, दुर्मति केर दोहागिन मेटे ढोटे ही चाप चपेरे। ढोटे ही अर्थात अपने पांचों इंद्रियों को चाप ने धनुष की तरह, जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो ज्ञान के धनुष से इन पांचों इंद्रियों को दमन करो, अपने नियंत्रण में करो। जैसे कोई उदंड घोड़ा होता है, मन मतंग घोड़ा, तो घुड़सवार धीरे धीरे उसको अभ्यास कराते कराते उसको अपने बस में कर लेता है, लगाम लगा करके अपने नियंत्रण में कर लेता है, फिर उसको ट्रेनिंग दे देता है, और फिर वही घोड़ा इशारे से समझता है, फिर उसको जिधर इशारा करता है दौड़ता है। लेकिन शुरू में बहुत मस्ती करता है, शुरू में बहुत उठपटांग दौड़ता है। इसी तरह से शुरू में इंद्रियां मन हमें नचाता है, जीव को परेशान करता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जब हम उस पर लगाम लगा लेते हैं,
जब उसका लगाम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तब फिर वही मन हमारा सहायक बन जाता है, फिर यही आँखें हमारी सहायक बन जाती है, फिर ये आँखें सुंदर रूप नहीं सही रूप को देखता है। सुंदर और सही में फर्क है। सुंदर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुंदर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सही अर्थात जिससे मन में सुंदर विचार का जागरण हो सके, जिससे भीतर सुंदर विचार जन्म ले सके, फिर जब हम लगाम कस लेते हैं पांचों घोड़ों पर अर्थात पांचों इंद्रियों पर और उस लगाम को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर आँख वहीं जाती है जहाँ हम चाहते हैं, ये कान उन्हीं शब्दों को लेके भीतर आते हैं जिसे हम आने देना चाहते हैं, फिर ये नाक ये त्वचा ये जीभ उन्हीं चीज़ों के पीछे जाएंगी जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे जब मन वश में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा विलासी भोजन आदमी छोड़ देता है, फिर सादा सात्विक करता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, व्यक्ति सुबुद्धि में जीता है, साधना में जीता है, तो कोशिश करता है सादा आहार हो, सुपाच्य भोजन हो, क्योंकि भोजन जैसा होगा वैसा ही मन बनेगा। भोजन गलत हुआ तो मन गलत बनेगा। तो हम जब अपने ज्ञान के द्वारा अपनी साधना के द्वारा मन इंद्रियों पर लगाम लगा करके उसका चाप उसका लगाम अपने हाथ में पकड़ते हैं तब वो भी दमन हो जाता है, वो भी शमित हो जाती है, वो भी उसका भी हम निग्रह कर पाते हैं। तब साहब कहते हैं इतना काम जब कर लिया तब कहते हैं कहें ही कबीर सोई जन मेरा, फिर कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति मेरा है। तो लोगों ने कहा कौन कहा, अभी तो बताया था जो घर की रारी निवेरे, जिसने घर के झगड़े को मिटा लिया, जिसने अपने भीतर के झगड़े को मिटा लिया वो मेरा हो गया। जो भीतर के झगड़े में उलझा है वो मेरा हो ही नहीं सकता। साहब ने कहा मैंने ऊपर सारी बातें बता दी कि किस तरह से भीतर झगड़ा मचा है, कौन झगड़ा कर रहा है, किस तरह का झगड़ा कर रहा है, इसलिए जो अपने घर के अपने हृदय के अपने मन के अपने शरीर के झगड़े को मिटा लिया, जो स्वयं मालिक बन गया, इंद्रियां और मन जिसके अधीन हो गई, जो अपने इंद्रियों का शासक बन गया, साहब कहते हैं वो मेरा हो गया। और वो मेरा हुआ अर्थात मेरे समान हो गया, अर्थात जिस शांति का आनंद मैं ले रहा हूँ, जिस शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ, उसका भी मन सुंदर हो गया, वो भी साधना में स्थित हो गया, वो भी अब जहाँ है वहीं मंदिर हो गया, वो जहाँ है वहीं शांति घटित हो गई। कहते ना जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, अर्थात व्यक्ति जहाँ पवित्र विचारों के साथ है, व्यक्ति जहाँ पवित्र मन के साथ है, समझ जाना वहीं सत्संग है। पंडाल हो ना हो, माइक हो ना हो, अगर आप खेत में हैं और पवित्र विचार के साथ आप खेत में घास ही निकाल रहे हैं, साहब कहते हैं समझ लो वहीं सत्संग चल रहा है। यही सत्संग की परिभाषा है। अंत में एक भजन के साथ वाणी को विराम दो। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं, पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना,
पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। तब सत पथ पर जन जन मन का तब सत पथ पर जन जन मन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बदलना है साधना। तो जीवन को पाना ही नहीं इसे बदल देना साधना है। बदलने का अर्थ है कि जब मंदिर जाएं तो मंदिर जाने का अर्थ है कि ये शरीर भी मंदिर बन सके, यह मन भी शिव सुंदर बन सके, किसी की पीड़ा को देखकर मन भी द्रवित हो उठे। इस तरह से जब भाव, इस तरह से जब विचार आएंगे तो साहेब का यह पद भी सार्थक होगा कि तब समझे भीतर सुबुद्धि का वास है। बाहर जहाँ भी देखें सबको देखकर अगर करुणा प्रेम का भाव जागृत होता है, यदि किसी को देखते हैं और नफरत घृणा के भाव जागृत होते हैं तो समझ जाइए वहाँ दुर्मति ने डेरा डाला है। और समस्त जगत को देखकर प्रेम का भाव जगता है तो समझ जाइए वहाँ सुबुद्धि ने डेरा डाला है। और इस तरह से हम अपने भीतर के सारे झगड़े से मुक्त हो सकते हैं। तो इस सातवें दिन में सद्गुरु कबीर के इस बहुत ही प्रसिद्ध और कल्याणकारी पद संतों घर में झगड़ा भारी के विचार के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।